हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए, आज हम आपके साथ फिर है एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट लेकर। देखिए, कल मैंने एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद मैंने उसमें गलत ही बोल दिया था। ठीक है, ये सब हो जाता है। देखिए, मैं बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सी क्वेश्चन के को बढ़ा लीजिए, मतलब 50 से ज़्यादा कर लीजिए। देखिए, मैं छोटी बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सी टाइम मैनेजमेंट हो जाए, मैं छोटी क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। बहुत मेहनत लगती है भाई क्वेश्चन का सेटअप करने में। ठीक है, एक एक टाइपिंग करता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन लिखता हूँ, कहीं से कट पेस्ट कॉपी कुछ नहीं है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन बढ़ाऊं। ठीक है, लेकिन आज जो ये मॉक टेस्ट सेकंड है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बस वैसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सटीक हो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बौद्ध संग्रहालय स्थित है? क्या है क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बौद्ध संग्रहालय स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा इनमें से सभी। ठीक है, गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरहवा, ये तीनों ही जगह पर क्या है बौद्ध संग्रहालय है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तर भारतीयों का कहलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये काफ़ी इस तरह से क्वेश्चन बने हैं भैया, तो हमने पूरी कोशिश की है कि अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। क्या बोल रहे हैं, प्राचीन काल में किसके द्वारा रचित है? भरत मुनि के द्वारा रचित है। क्या है, नाट्य शास्त्र है उत्तर भारतीयों का क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने आप करेक्ट आंसर को टिक करके बताइए आंसर। याद रखिए, ये कहलाता है संगीत का बाइबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि उत्तर प्रदेश के किस महान संगीतक को आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश के किस महान संगीतक को आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता कहा जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, उस्ताद फैज खां। ठीक है, उस्ताद फैज खां को कहा जाता है आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि नकक्टाया प्रसिद्ध मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है? बताइए, इसका जो आयोजन है इस मेले का, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में इस मेले का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि हिंदी के महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म स्थली है वो कौन सी है? यानी श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म किस स्थान पर हुआ है उत्तर प्रदेश के, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाराणसी। ठीक है, हिंदी के महान कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, और इनकी जो जन्म स्थली क्या है, वाराणसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश में होकर बहती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश में होकर बहती है? तो आपको याद रखना है कि गंगा एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश के लगभग बहुत बड़े भूभाग पे बहती है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे जो नदी है वो है आपकी गंगा, और इसके बाद किस नदी का जो नंबर है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये नदी है यमुना। ठीक है, गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है यमुना, जो कि उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है? आपके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है अहिल्याबाई होलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आगरा घराने की स्थापना का श्रेय जाता है? क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आगरा घराने की जो स्थापना का श्रेय किसे जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बताइए इसका करेक्ट आंसर, अच्छे से याद करते जाइए भैया। देखिए, वीडियो ऐसा देखिए कि अच्छे से याद कर लीजिए सारी क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है,
तो यार कहेगा ये हैं आपके तानसेन, ठीक है, तानसेन ने ही की है आगरा घराने की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वर्ष झूला मेला का आयोजन किया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वर्ष झूला मेला का आयोजन किया जाता है तो किस जिले में किया जाता है, उत्तर प्रदेश के, तो याद रखिएगा ये किया जाता है मथुरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि चित्रकला की प्रसिद्ध मुगल शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, चित्रकला की प्रसिद्ध मुगल शैली को, ठीक है, किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या है, आगरा शैली को, ठीक है, मुगल शैली के नाम से जानते हैं आगरा शैली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में कथक के लिए प्रसिद्ध घराना नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में कथक के लिए प्रसिद्ध घराना नहीं है, तो यार कथक के लिए प्रसिद्ध घराना नहीं है आगरा घराना, ठीक है। लखनऊ घराना और वाराणसी घराना जो है कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं, और याद रखिएगा कथक ही है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, श्री बांके बिहारी मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है, तो याद रखिएगा श्री बांके बिहारी मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है स्वामी हरिदास जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देवी विंध्यवासिनी का जन्म महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस पर्व के रूप में मनाया जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, देवी विंध्यवासिनी का जन्म महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है कजरी पर्व के रूप में, ठीक है। देवी का नाम याद रखिए क्या है, देवी विंध्यवासिनी, इनका जो जन्म महोत्सव है ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में किस रूप में, कजरी पर्व के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कजरी लोक गीत किस ऋतु का गीत है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कजरी लोक गीत किस ऋतु का गीत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वर्षा ऋतु, ठीक है, कजरी गाया जाता है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कजरी लोक गीत की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि कजरी लोक गीत की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मिर्जापुर से हुई है, ये मानी जाती है। लोक गीत जो है ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः गाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मिर्जापुर में तो भाई गाया ही जाता है, अब इसके बाद अन्य किन जिलों में गाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर में भी ये गीत जो है गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश में कजरी लोक गीत की प्रमुख गायिका हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कजरी लोक गीत की प्रमुख गायिका हैं, तो याद रखेगा उपयुक्त सभी, यानी मालिनी अवस्थी, उर्मिला श्रीवास्तव और उमा गुप्ता, उषा गुप्ता, ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश में कजरी लोक गीत की प्रमुख गायिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, चना, गेहूं, दालों के उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान रखता है, एक भैया ने हमसे पूछा था कि जो है सर ये मोटे अनाज क्या होते हैं, तो ये समझ लीजिए इन्हीं के बोलते हैं मोटे अनाज, ठीक है। बाजरा, चना, गेहूँ, दालें, जो जितने भी ऐसे अनाज हैं इनको हम मोटे अनाज बोलते हैं, तो इसमें प्रथम स्थान जो कौन रखता है ये बताना है आपको। देखिए तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश, देखिए दालों में प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश नहीं रखता है, लेकिन बाजरा, चना, गेहूँ तो ये तो बहुत अच्छे आपके उत्तर प्रदेश में होते हैं, यानी कुल खाद्यान्न अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा होता है, इस कारण ये प्रथम स्थान रखता है मोटे अनाज, यानी टोटली मोटे अनाज में जो उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूती वस्त्र निर्माण के लिए कपास की आवश्यकता होती है, तो कपास की कृषि के लिए कौन सा भारतीय राज्य जो है अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा कपास की खेती किस भारतीय राज्य में की जाती है,
तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा, सूती वस्त्र निर्माण के लिए कपास की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रस्सी बोरे इत्यादि बनाने के लिए जूट की आवश्यकता होती है, तो बताइए कौन सा भारतीय राज्य जूट की कृषि के लिए अग्रणी है, यानी सर्वाधिक जूट की कृषि किस भारतीय राज्य में की जाती है। कृषि से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कृषि संबंधी क्वेश्चन आने चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जूट की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरी चाय के उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान रखता है। याद रखिएगा, ग्रीन टी की बात की जा रही है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, हरी चाय के उत्पादन में कौन सा भारतीय राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वैसे तो चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो आपका दार्जिलिंग है काफ़ी अच्छा स्थान रखता है, पर हरी चाय के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो रखता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से, इमरान खान भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या बोल रहे हैं, इमरान खान भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यार रखेगा ये हैं पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एचडी कुमार स्वामी किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कर्नाटक। ठीक है, एचडी कुमार स्वामी जो हैं भारतीय राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस सागर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका है, हिंद महासागर, जिसे जो कि श्रीलंका का था, आप ये किराए पे दे दिया गया है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस भारतीय राज्य की है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हरियाणा के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से। क्या बोल रहे हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो संबंधित है ये हरियाणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक से बनी थैलियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यार क्या इसका करेक्ट आंसर आपका है 15 जुलाई, और ऐसा करने वाला ये 19वां राज्य बना है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि आचार्य देवव्रत किस भारतीय राज्य के राज्यपाल हैं। क्या बोल रहे हैं, आचार्य देवव्रत किस भारतीय राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक जिला एक उत्पाद नामक परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के में किसके कर कमलों द्वारा कराया गया, यानी किसने इसका शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। तो याद रखिएगा, श्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसका जो है शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना ये क्वेश्चन, क्योंकि बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानिल विक्रम सिंधे किस भारतीय पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या बोल रहे हैं, रानिल विक्रम सिंधे किस भारतीय पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखिएगा ये हैं आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमन सिंह किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अच्छे से याद रखिए, बहुत ही हिट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए, हमने पूरी एनालिसिस करके ही जो आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं, रमन सिंह किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। पड़ोसी देश से भाई एक से दो क्वेश्चन श्योरिटी मिलेंगे आपको, तो अच्छे से याद करके चलिए। क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, कह रहे खड्ग प्रसाद ओली जी हैं प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्रधानमंत्री। इससे पहले थे केपी शर्मा ओली, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर क्या होंगे, खड्ग प्रसाद ओली जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए व्लादिमीर पुतिन किस
देश के राष्ट्रपति हैं। अब ये 2 दिन के दौरे पर आए थे, मैंने इसका कॉमेडी टैब पे भी ये चीज़ को मैंने शेयर की थी। तो पूछा जा रहा है किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखेगा ये आपके राष्ट्रपति हैं रूस के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बने थे यूपी पुलिस परीक्षाओं में, तो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन सा देश भूकंप व सुनामी से पीड़ित रहा, यानी दोनों ही चीज़ देखने को मिली, पहले भूकंप फिर उसके बाद सुनामी, और काफ़ी नुकसान हुआ इस देश को, तो ये कौन सा देश है ये बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में वर्षा के कारण आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो आपका है केरल, लेकिन आपदा तीनों ही सभी राज्यों में देखी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहां नुकसान हुआ है वो केरल है, तो राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई थी केरल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो याद रखिएगा संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कई बार बनता है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना को बोला जाता है संविधान की आत्मा। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहा जाए, देखिए क्या है, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और संविधान की आत्मा मोस्टली कही जाती है उसकी प्रस्तावना। ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में संशोधन किया गया था, कौन सा संशोधन जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया संविधान के अंदर, तो याद रखिएगा 42। ठीक है, ये संविधान में संशोधन किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्यक्तियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में जोड़ा गया, बताइए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि व्यक्तियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया है, क्या रखिएगा, जोड़ा गया है मूल अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी पुलिस परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताइए इसका आंसर, तो याद रखिएगा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग का प्रमुख होता है, अरे ये क्वेश्चन तो भाई रेलवे में रेगुलर पूछा गया, ये समझ लीजिए रेलवे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो देंगे वो भी याद रखेगा कि क्वेश्चन रेगुलर पूछा गया है कि नीति आयोग का प्रमुख होता है, तो याद रखिएगा उस देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना, यानी प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के जो प्रमुख कौन है, तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में अगर बात की जाए तो रंजन गोगोई जी हैं, जस्टिस दीप रंजन गोगोई जी हैं 46वें जो आपके मुख्य न्यायाधीश भारत के, और इससे पहले कौन थे, दीपक मिश्रा जी थे, और ये कौन से 45 नंबर के थे। ठीक है, तो नंबर्स भी याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता का प्रखर स्थल कहलाता है, याद रखिएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जैव विविधता का मीन्स तो आप लोग समझते ही होंगे, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भांति भांति के पेड़ पौधे एनिमल सब पाए जाते हैं, और वहाँ मानवीय आबादी या मानवीय क्रियाकलाप अभी नहीं है, जैसे कि पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है, और भारत और म्यांमार की पहाड़ियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी मानवीय आबादी ठीक से नहीं रहती, यानी नहीं पहुँची है, और जैव विविधता यानी भांति भांति के पेड़ पौधे जंतु पाए जाते हैं, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, याद रखिएगा। तो उपयुक्त सभी यानी तीनों ही क्या है, जैव विविधता के प्रखर स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, इसको बताइए, क्या बोले, राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष होता है, तो याद रखिएगा भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित आपका दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पूछा जा रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय पड़ोसी देश के नागरिक भारतीय नागरिकता लेने के लिए सबसे आगे पाए गए हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्या बोल रहे हैं, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय पड़ोसी देश के नागरिक भारतीय नागरिकता लेने के लिए सबसे आगे पाए गए हैं, तो वो देश है आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पृथ्वी के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है आपका आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बर्मा किस भारतीय पड़ोसी देश का पूर्व का नाम है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका होगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का जो पूर्व का नाम क्या था, बर्मा कहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य रात्रि के सूर का देश कहते हैं, तो ये कहते हैं नॉर्वे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पाक जलमंडरू मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच। तो ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये आपको ये वीडियो, और हम रेगुलर रहने के लिए तभी मतलब तभी रह सकते हैं हम रेगुलर, जब आप लोगों की जो रिस्पांस बहुत अच्छे हो। ठीक है, तब मुझे रिस्पांस करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, हम नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।